एक तरफ अजमेर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर बताया जा रहा है, वहीं शहर के सबसे व्यवस्थम रेलवे स्टेशन रोड की हालत शहर को थर्ड क्लास बनाने में लगी है। रेलवे स्टेशन रोड पर एलिवेटेड निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन इस दौरान विभिन्न समस्याएं आम जन यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों को भी झेलनी पड़ रही है। एलिवेटेड निर्माण कार्य के चलते रोड पर सीवरेज लाइन बाधित होने के चलते कई मीटर तक गंदा पानी चल रहा है। वहीं एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान खोदी जा रही मिट्टी से भी व्यापारी खासे परेशान है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज रेलवे स्टेशन व्यापार संघ से जुड़े व्यापारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इन सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, वरना व्यापारी महासंघ द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत जो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण हो रहा है, स्टेशन रोड पर जो निर्माण हो रहा है, उसमें काफ़ी तकलीफ है व्यापारियों को और आमजन को हो रही है, जिसके अंतर्गत इन लोगों ने सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं कर रखी है। जो धूल मिट्टी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह खड्डे हो रखे हैं रोड पर, उसकी तरफ बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है। हमने नगर निगम को भी चेताया, लेकिन वो कहते हैं कि जो कंपनी को ठेका दिया है उनके कर्मचारी सफाई की व्यवस्था करेंगे और वही पेवरीकरण का काम करेंगे। दूसरा, जब हमने निगम के द्वारा इस बात को कही है, हमने कंपनी के अधिकारियों से मिले, तो उन्होंने कहा ये निगम का काम है, हम झाड़ू सफाई कुछ नहीं करेंगे। आखिर में हम परेशान होकर, जो कि स्मार्ट सिटी में अंदर जो इंचार्ज बने हुए जिलाधीश महोदय, उनको आज हमने ज्ञापन दिया स्टेशन रोड व्यापारिक संघ की तरफ से कि इन खड्डों का पेवरीकरण कराया जाए और सफाई की माकूल व्यवस्था की जाए। जो धूल मिट्टी का अंबार है उससे न तो ग्राहक आ रहा है, व्यापारियों के स्वास्थ्य पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है इसका, और साथ में जो रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं कि आप देख के कल्पना करेंगे कि किस तरीके से रोड का जो हाल खराब किया है इनकी भारी मशीनों ने, जगह जगह उसमें खड्डे हो गए हैं। आगे जो ड्रेनेज लाइन टूट गई है घंटाघर के सामने, उसका पानी पूरा केसरगंज तक बहता हुआ होता है, तो इसमें से व्यापारी व्यापार कैसे करेगा, ग्राहक ही नहीं आ रहा है। आखिर में परेशान हो गया हम, आज जिलाधीश महोदय की शरण में आए हैं कि यदि आप इसके ऊपर गंभीरता से फैसला लें, अन्यथा व्यापारिक संघ और अजमेर व्यापार महासंघ मिलकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा।